जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के राज्य सचिव प्रभात शर्मा ने केंद्र सरकार पर द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर में लागू किए गए कानून जिसमें बाहरी प्रदेश के लोग जमीन खरीद सकते हैं कड़ी आलोचना करते हुए कानून को जल्द से जल्द वापस देने की मांग की है। मैं प्रभात शर्मा, स्टेट सेक्रेटरी JKPM, आज मैं इस कानून को कंडेम करता हूँ जो इन्होंने जमीन बिल लाया सेल के लिए। ये हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को, हमारे जम्मू को सेल कर रहे हैं, हमें बेच रहे हैं, हमें खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान के जब हमारी जो रियासत थी जे कभी गुलाम नहीं हुई, 200 साल हिंदुस्तान गुलाम रहा, हमारी रियासत जो थी जे आजाद थी। हम हिंदुस्तान के साथ चले कि हिंदुस्तान हमें अपने साथ मिलाएगा, लेकिन इस हिंदुस्तान की सरकार ने हमें सेल करने के लिए छोड़ दिया अपने पॉलिटिकली मुफाद के लिए, हिंदुस्तान के सरकार चलाने, सेंटर की सरकार बनाने के लिए, अपने मुफाद के लिए इन्होंने हमारी जमीनों को सेल करने के लिए बोल दिया। और पहले इन्होंने हमारा PRC खत्म किया, इन्होंने हमारे साथ वो भी धोखा किया। उसके बाद इन्होंने डोमिसल 15 साल का डोमिसल तैयार किया कि ये 15 साल जो जहां पे रहेगा वो जमीन भी खरीदेगा, जहां पे नौकरी भी लेगा। अब इन्होंने उसको भी खत्म कर दिया, जितना भी था हमारे पास जो भी हकूक थे वो सारे के सारे हमारे छीन लिए। अब जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग अब तो सारे के सारे बाहर आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। जो लड्डू बांटते थे, जो BJP के लोग लड्डू बांटते, अब वो कहां चले गए हैं? उनको बाहर आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनको उनको जहां पे सेंट्रल सरकार की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं चुना था, जो 25 MLA थे उनको चुना था कि जो हमारे लोगों की बात है वो सेंटर में रखें, सेंटर में बताएं हमारी मुश्किलात क्या है। आज कोई हमारी मुश्किलात, कोई परेशानी हल करने के लिए तैयार नहीं है, हमें सिर्फ छोड़ दिया है कि इनको नोचो, इनको खाओ तो अपना हक जमाओ। हमारे जम्मू को ही इन्होंने सब कुछ, अब 3-700 पोस्ट निकाली है इन्होंने जो फायर ब्रिगेड की, कश्मीर में दिया, जम्मू में हिस्सा नहीं दिया। किसकी सरकार थी? BJP की। जे ऐसा क्यों बांट रहे हैं, क्यों ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं, कश्मीर और जम्मू को लड़ा रहे हैं? जे पहले भी ऐसा करते थे, आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। जे इन्होंने एक डिवाइड एंड रूल जो तैयार किया है, जे हमारी रियासत के लिए भी खतरनाक है और हिंदुस्तान की सरकार के लिए भी खतरनाक है। जे हमारे देश को भी गर्क करेगा, रियासत को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। नहीं, इनको बिल्कुल ही हमारे सारे पॉलिटिकली हकूक छीन लिए, सारे जो भी है नौकरियां, पास बचा क्या है? अब मैं इसको जे कहता हूँ इस सरकार को, हमारे जो भी बिल है, जो आपने बिल निकाला है, इसको आप वापस लें, हमें 370 पेल्टीए को भी बच करता हूँ आप।